विश्व शांति के लिए धर्मशाला में पहली बार एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। शांति दूत एवं बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा सहित देश की कई नामी हस्तियां व्याख्यान देंगी। 2 से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस बड़े कार्यक्रम में महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी और विश्व शांति विषय पर मंथन होगा। ये बात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री ने धर्मशाला में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि महात्माओं द्वारा भारत को शांति के लिए दिए गए इस मंत्र को आम जन तक पहुँचाने और भारत को फिर से दुनिया के सामने समस्त एवं विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। कुलपति ने कहा कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। उनके साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय, शिवालिक खादी आश्रम, हिमाचल नेचर केयर एंड योग सेंटर स्थानीय सहयोगियों के रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय भवन सभागार एवं कॉलेज ऑडिटोरियम में 2 से 4 दिसंबर तक 3 दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा। 2 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के ऑडिटोरियम में विश्व शांति दूत दलाई लामा इसका शुभारंभ करेंगे। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक निर्वासित तिब्बत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री सामदोंग रिपोनछे संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के नामी वक्ताओं के अलावा शांति के प्रायोजन से किए जाने वाले इस कार्यक्रम में रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। विश्व शांति दूत दलाई लामा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के अलावा इसमें विशेष भूमिका निभाएंगे। इस मूवमेंट को गति देने के लिए देवभूमि और बौद्ध नगरी से ये संदेश दुनिया भर में फैलाने की मुहिम का आगाज धर्मशाला से किया जाएगा। विभिन्न राज्यों से 70 से ज्यादा महानुभाव शिरकत करेंगे। कश्मीर से केरल तक के लोगों की न केवल भागीदारी होगी बल्कि देश भर में विश्व शांति के मुद्दे पर आने वाले दिनों में एक बड़ी मुहिम की भी शुरुआत होगी। गांधी स्मृति दर्शन समिति के सदस्य एवं बरसों से गांधीयन मूवमेंट से जुड़े लक्ष्मी दास ने बताया कि इस दौरान देश भर के गांधीयन थिंकर विभिन्न संस्थाओं के स्कॉलर और रिसर्चर भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और विश्व शांति पर पेपर भी लिखे जाएंगे। स्मृति एवं दर्शन समिति है भारत सरकार की, जिसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उसके सचिव जो हैं भारत सरकार के जो कल्चर मिनिस्टर संस्कृति मंत्री हैं वो होते हैं। उनकी ओर से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ मिलकर और इसके साथ ही ऊना का एक गांधी संस्थान है और एक जनता दर्शक और नेचुरोपैथी का संस्थान है, उनके साथ मिलकर ये 3 दिन का एक सेमिनार भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी का जो चिंतन है वो आज विश्व शांति के लिए प्रासंगिक है और यदि उसका व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल किया जाए तो विश्व की जो बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, आतंकवाद है और युद्ध का डर है, परमाणु हथियारों के चलने का डर है, इस प्रकार के जितने एक प्रकार से कहना चाहिए जो आधुनिक काल की उपजी हुई समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा सकता है यदि शुद्ध मन से अंतःकरण से भगवान बुद्ध और गांधी जी के चिंतन का व्यवहारिक रूप दिया जाए। तो उसको लेकर हमने 60-70 रिसोर्स पर्सन बुलाए हुए हैं। 3 दिन का जो एक प्रकार से कहना चाहिए देश भर से विद्वान आएंगे, इस पर गहन मंथन करेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको हम विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित करेंगे। ये शायद पहला प्रयास है जिसमें भगवान बुद्ध और गांधी को जोड़कर और कंटिन्यूटी में कि भारत का जो चिंतन है, भारत की एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान बुद्ध का चिंतन, महात्मा गांधी का चिंतन ये मूलतः भारतीय चिंतन की लगातार एक प्रकार से विकास को प्रतिबिंबित करते हैं और ये चिंतन जो है विश्व शांति के लिए लाभदायक हो सकता है। इसकी फाइंडिंग्स को हम यूनिवर्सिटी की ओर से छापेंगे। कौन आएगा सर मुख्य अतिथि? इसमें परम पावन दलाई लामा जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे और निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री रह चुके प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोचे उनका कीनोट एड्रेस होगा। सर वेन्यू क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, थैंक यू।